ये दारू का प्राइस है भाई 19 लाख बाहत, यानी कि 50 लाख रुपए एक फॉर्चूनर। भाई ये इतने रिच है देखना, ऐसे स्पीकर तो इनके 4-5 पड़े थे ये डब्बा पैक मार्शल के। भाई ये दारू देखना, ये लेके आए कॉफी फ्लेवर्ड, आधी इसमें पता नहीं क्या है आधा क्या। हेलो भाई, अरुण पवार एंट्री खड़ा हुआ है अभी स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। बैठे हुए हैं, बैठे हुए देखिए अरे भाई बैठे हैं। व्हाट व्हाट एयरलाइन? स्पाइसजेट। भाई ये देखो, ये वाला गेट है और स्वर्ण भूमि सुनने में तो भाई हिंदी सब लगता है, बट है फिलहाल हम थाईलैंड में और अनफॉर्चुनेटली हमारा भाई ये लास्ट डे लास्ट टाइम है कुछ 2-3 घंटे थाईलैंड में, फिर हम बैक टू अपना इंडिया होने वाले हैं। तो जुड़ी हमारे साथ रिटर्न जर्नी में भी जैसा अभी तक आप जुड़े रहे, और आपको दिखाते हैं और अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करते हैं। भाई भाई बोलने से पहले भी सॉरी बोल रहा है, इसमें देख रहे हो एंड तक एंड में भी लग रहा सॉरी है, पता है से वीडियो बना रहे थे प्यार हो गया यहाँ के लोग। और देख सफाई चल रही है रात में भी भाई गेल गेल एयरपोर्ट पे, पाइप लेके ऑटोमेटिक मशीन। इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स भरा जाता है एक जगह भी टैक्स का यूटिलाइजेशन। दोबारा तो आ गया टैक्स का वो नियम ही, अब 6 लाख वालों को 3 लाख वालों को नियम ही आते रहते हैं, टैक्स चल लगता रहता है। ऐसी मेंटेनेंस कभी जिंदगी में नहीं हो सकती, वहाँ होती ही नहीं है। और गाड़ी फाड़ी इनसे लेके स्कॉर्पियो यहाँ क्या कर रही है? ओ भाई, ओ शिवम भाई, आपकी स्कॉर्पियो क्या कर रही है साइड में? तो भाई इस कार में आए थे हम लोग, ये देखना कैमरी में अब मोल भाव चल रहा है, हम पे भाई कैश नहीं है। स्टिल यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं ना, इंडियन करेंसी लिए भाई ने, यार बताओ हम पे कैश नहीं था, इन्होंने इंडियन करेंसी ले ली। भाई आप इतनी अच्छे हो क्या, इनको पता ही नहीं रहता भाई क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, खुद सामान उतार रहे हैं भाई। वैगनर वाले करेंगे अपने इंडिया में, वैगनर वाले गुटखा खाएंगे पहले बैठ के। अब बीड़ी उसका निकालता निकाल भी यही हो रहा था, उसने कुछ नहीं करा, बैग वैग तो हमने अपने आप रख के पहले अपना गुटखा लगाया। एनर्जी ड्रिंक ओके ब्रो, ब्रो कीप इट, टिप टिप फॉर यू, ओके बाय, सी यू टू सून, बाय गाइस, गुड बाय। यार भाई चलो अब चलते हैं वापसी इंडिया, वही देश इंडिया भी जाना है, दिल कर रहा था बहुत देर। सुनो इंडियन भी दे दिए हमने, 700 दे दिए थे, 700 रुपए। अच्छा टिप भी दे दी थी तुमने भी, अच्छा अच्छा कोई नहीं, चलो कोई नहीं भाई, हमारे हरियाणवी गाने चलवा देना अपनी कैमरी में, वह सबसे बड़ी बात वो है। बहुत बढ़िया बंदा था वो भी, गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है इसकी, गाड़ी भाई एक नंबर। धूल मिट्टी नहीं है यार, धूल मिट्टी नहीं है, पता नहीं जब इधर चप्पलन में चल रहा हूँ मैं, कभी मिट्टी नहीं लगे अपने, वहाँ चल लो गैल पा घर जाकर। खेत वाले रास्ते पे भी गए थे हम, वहाँ भी पता नहीं मिट्टी नहीं उड़ रही इनकी। और एयरपोर्ट पे भाई देखो हमारे वहाँ जैसे वो आईडी वाईडी चेक होती है, देखो यहाँ पे नथिंग, कोई चेक नहीं हुआ, कुछ भी चेक नहीं होता, सीधे जाओ आप, ईमानदारी ऑन पीक। हाँ पर भाई कुछ मिस यूज भी कर सकते हैं लोग, बाकी इसका देखो कोई आईडी, हमारे वहाँ तो एंट्रेंस पे एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ रहती है, कोई आके लौट जाओ कुछ करो। साफ सफाई इनके लिए प्रायोरिटी है भाई, देखो जितने आप देखोगे यहाँ पे हर जगह लगे पड़े हैं कि भाई कोई गंदगी ना रहे, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन इनकी नज़र में। तो लेट अस चेक, हमारी स्पाइस जेट से फ्लाइट है, कितने बजे की है बोरी, 5:10 की है क्या, 3 और कोलकाता भी जा रहे हैं तो सीधी फ्लाइट। स्पाइस जेट सबसे नकली है लाइन। बता रहा हूँ एक बात आपको, जब भी कभी यहाँ पे आओ ना थाईलैंड में घूमने का आपका मन करे, मैं बता रहा हूँ फुकेत जाओ ना तो बिल्कुल प्री प्लान करके जाना, सिर्फ 2 दिन के लिए, सिर्फ दोनों आइलैंड घूमना, बीच घूमना वाला, और भाग के आ जाना। बैंकॉक बढ़िया है भाई, सबसे अच्छे अच्छे बताऊं, अरे एक है पताया, ये दोनों बेस्ट प्लेस हैं, सस्ते हैं, कैब भी सस्ती, खाना भी सस्ता, सारी चीज़ सस्ती। वहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा वो रेट है, क्यों, क्योंकि वहाँ आते हैं फॉरनर बहुत ज़्यादा, इधर तो मैं ना सारे यहाँ के जो लोग हैं लोकल वो दिखेंगे, कुछ कुछ फॉरनर को ज़्यादा चार्ज करते हैं, पता है कि फॉरनर है पैसे वाले, 1 किलोमीटर के 200 बाट दे रहे हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर के, कुछ भी नहीं दिए भाई, साफ सफाई में रखें जरूर। ओके भाई अभी और देंगे हम पूरा आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं, हो गया पता चल गया, आओ भाई ये लगेज अपना देते हैं, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे भाइयों से, क्योंकि अपने पास 3 घंटे हैं अभी। भाई यहीं पे पता चल गया हमें कि यही है इंडिया जाने वाली फ्लाइट, या लाइन देखो कितनी लंबी चौड़ी लाइन, उनके भी पर्दा से भी खत्म हो गया, सबके मुँह लटके पड़े हैं। एक और चीज बताऊँ, हम ना बीच में जाके लग गए थे एकदम से ना, मतलब अंदर से हो गया ना, इंडिया नहीं खड़े हैं भाई, लग जाओ चलो बीच में, झूठ बोल रहा है, तुमने
तुरंत कहते एक्सक्यूज मी यहां के होते ना तो कह रहे कोई नहीं आप आ जाओ कोई नहीं उसने तुरंत भगा दिया भाई ये क्योंकि हम पहले भी लाइन में लग गए थे एक दो बार गलती है मैं नहीं ये सीएम भाई हमारे थोड़े नोटी हैं और बहुत हराम ऐसे रूल तोड़ने वाले होते हैं ना वो तो इन्होंने करा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला उन्हें लगा होगा कि बेचारे को इमरजेंसी होगी और हमारी इंडियन थी एक लेडी तो उसने तो तुरंत बोल दिया एक्सक्यूज मी अपनी हैंडसम था मुझे मत दिखाओ हैंडसम था किसी और को दिखाओ। फाइनली आज पौन घंटे में हमारा नंबर आ तो गया है चेक इन कराने का सामान। इतना छोटा सा सिक्योरिटी एक बंदा नहीं भैया ये तो अलग ही सौदा है। पूरी सिक्योरिटी में हमको मात्र 10 सेकंड लगे होंगे जहाँ पे हमको वहाँ इंडिया में आधा आधा घंटे लग जाता लाइन है एक सिंगल बंदा नहीं घंटे भी लगते हैं एक सिंगल बंदा नहीं और इतने प्यारे प्यार से चेक करना ओ हो 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 हो। दो भाई बताओ बिल्कुल दो इन्फॉर्मेशन दो भाई जैसे आप कुछ भी अपना जेल वेल या कुछ भी ऐसी क्रीम व्रीम ला रहे हो ना वो 100 ml से कम होनी चाहिए बिल्कुल ध्यान में रखना। मैं एक हेयर प्रोटीन लाया था हिमालय का वो 200 ml लिख रहा था उसपे तो मेरा रिपोर्ट पे निकलवा दिया फेंकवा दिया अभी यानी जब दिल्ली में हाँ डोमेस्टिक में ही अरे नहीं यही अच्छा हाँ लाने तो दिया लाने दिया सब कुछ बोल रहे पर चेक इन के टाइम पे ना जब तुम वापस जा रहे हो तब नहीं ले जा सकते तो 100 ml से है ना हमेशा कम की चीज लाना जो तुम ये यूज करते हो। भाई आप ध्रुव भाई आ गए अपने सेक्शन में ये रोज पीते हैं इसलिए आ गए बेस्ट दारू लेने के लिए 20 लाख ये दारू का प्राइस है भाई 19 लाख भात यानी कि 50 लाख रुपए एक फॉर्चूनर ले लो या फिर एक बोतल पी जाओ रात रात में तो ये ले रहे हैं भाई अपने लिए दो लोगे अच्छा दो ले रहे हैं भाई ये 50 लाख किलोमीटर नहीं है दूसरी 50 किलोमीटर में है नहीं हमारी इतनी हल्की सी फूट गई ना खून से वैसे ही आपके बढ़ रहे हैं अरुण भाई हम चारों को भी बेच देंगे तो 3-4 लाख में अरुण भाई साथ में ये ठीक है आपके मतलब कि 1080 भात 1550 भात वो देखिए भैया ये हमारे नाम ले लेंगे ना अच्छा मत हो भाई आराम से ओ सॉरी भाई सॉरी भाई तो भाई अपना इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है वेरी एक्सपेंसिव भैया ये तो ऐसे लग रहा है जिन कहाँ आगे फिर कितने अरबों का माल पड़ा है ऐसे तो ये भाई 50-50 लाख रुपए की एक बोतल है तो है ऐसे तो बहुत अरबों का सारी बोतल 50 लाख की नहीं कुछ कुछ कभी बिकेगी है 1900 वो भी यहाँ से खरीदेगा वो ड्यूटी फ्री भाई वो ड्यूटी फ्री से आके खुद खरीदेगा सोच के देखो एक बार। अच्छा एक बात और है ये जो अपने यहाँ पे लीला वगैरह ना वहाँ पे मैं कलन की बोतल बड़ी होती है उसके जैसे हम अगर क्लब से पैक पीते हैं ना जैसे लेग लेवल वगैरह के वो महंगे होते हैं तो लोग मैकेलन के पैक वहाँ पीते हैं सोचो 5-5 लाख का पैक खरीदते हैं 20 लाख की बोतल है उसका 5 लाख का एक पैक पीते हैं लोग। आपको बड़ी नॉलेज है भाई जा रहे मेरे पापा ड्रिंक करते हैं ना तो उनके साथ जाते मैकेलन नहीं वो दूसरी मतलब मैकेलन वगैरह नहीं वो अपनी शिवास वगैरह हल्की हल्के हाथ रखते हैं हमारे पापा तो भाई बीड़ी पीते हैं बीड़ी 502 10 रुपए का बंडल 1 रुपए की माचिस अलग फ्री डोन ओलियो लेनी है दारू है दो लेनी है दो हाय निक्का अरे तो इंडिया से लेना ना नहीं वो वाली सिर्फ यही मिलती है तो देख लो भाई अभी तो टाइम है अपने पास काफी भाई हमारी 3:50 की फ्लाइट है तो बहुत टाइम है बाकी दारू इंडिया से ले लेना भाई इंडिया से ले लेना ये दारू है भाई जिसकी भाई बता रहे हैं पर भाई इसकी बोतल तो बड़ी प्रीमियम है गुरु इसकी एक और बोतल आती है वो और ज्यादा प्रीमियम होती है मतलब ये 20-20 लाख तक भी जाती है ऐसा कुछ सीन है इसका और उसके पता नहीं कितने कितने लाख के पैक करते क्या है लोग भाई ये पैसा 50 लाख की पी लो है 2 रुपए का मूत नहीं अब ये 2 रुपए का मूत नहीं है भाई जब बोलता है ना 2 रुपए का मूत इन्हें देख लेगा ना वो बंद कर देगा देखना भाई ये बोतल यार हद्दी है कमाल है गुरु इतनी महंगी महंगी 25 पेटी की 25 लाख ये उससे महंगी है क्या बाट है 75 लाख रुपए की ये बंद कर रखे कांच में इसको तो छू भी नहीं सकते गुरु देखने इसको तो छू भी नहीं सकते
हजार वाट लग गए। अबे यो देखो इससे भी महंगी थी भाई। घनी लोग इंडिया में ना दारू वगैरह कोई पीता है जैसे हमारे ध्रुव भाई जैसे, तो उनको ना बोलता है 2 रुपए का मूत पीता है भाई। ये एक दारू आती है इधर, इसका प्राइस चेक करो 25 लाख बाट। अब इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो ये 60-65 लाख रुपए की बैठेगी। तो भाई क्या कहना है, अब भी 2 रुपए का मूत है। फिर अपनी मम्मियों को और लेडीजों को दिखा दो जो कहती है ना 2 रुपए के मूत को पी के बोल रहा है, ज्यादातर घर की औरतें बोलती हैं। चलो ये हो गई भाई 25 लाख बात की। एक और है भाई, ये देखो कितनी तगड़ी तगड़ी दारू है। इसको देखो आप, ग्लेनमोर इसको छोड़ो। अभी मैं थाईलैंड में हूँ और कहाँ गई महंगी सी, ये तो चलो सस्ती है यार 2,60,000 रुपए की मात्र। एक और दारू दिखाता हूँ आपको, बहुत तगड़ी है तो वैसे सारी महंगी। ये देखो 8,75,000 बात। हम तो देखो ये वाली पीते हैं भाई 20 लाख बात की आती है, यानी कि एक फॉर्चुनर ले लो या फिर एक ये बोतल निपटा दो एक रात में। भाई हम तो यहाँ पर रॉयल ग्रीन और ब्लू लेवल व्हाइट एंड ब्लू वाली आती है ना। टीचर मैकडॉनल्ड्स तो है ही नहीं यार, टीचर्स तक भी नहीं है भाई। मैकडॉनल्ड्स भाई 100 पाइपर ऐसी वो रोल स्टैक ढूंढना, रोल स्टैक है क्या? संतरा भी नहीं है भाई गलत आ गए आप, गलत जगह आ गए। वो इंडिया जाके पीले से आपको दुकान मिलेगी, उसमें जाना, उसमें संतर मांगना। कितने की आती है जरूर भाई? मैंने क्या पी है भाई संतरा जो मुझे बताओगे वो तो आपको पता होगी भाई कितने की मिलती है। ये ड्यूटी फ्री में तो फ्री दे देते होंगे भाई उसको बिल्कुल। ले जाओ तुम सरा, ले जाओ तुम मजे लो। ध्रुव भाई कहाँ कौन सी तहकीकात करने लग रहे हैं दारुओं में। चलो स्पाइस जेट का एक्सपीरियंस देखते हैं भाई कैसा रहता है। थोड़ी लिटिल लिटिल ढिले तो कर देना, 350 फ्लोर रहना चाहिए था और 35 तो इन्होंने बॉडी में लगा दी है भाई। इस प्लेन का तो भाई पेंट ही उड़ा पड़ा है। छी स्पाइस जेट वालों हद रिपेंट करवा दो डी मकैनिक भाई से। और अंदर भी भाई देखो पुट्टी भर रखी है इन्होंने, यहाँ पे भी वही लग गया होगा। कैसे जुगाड़ू काम चल रहा है इनका देखो। जिगे भाई तो रियलिटी में बहुत नकली प्लेन है यार। देखना ये तो 3M की टेप से चिपका रखे हैं जिसको बिल्कुल ही नहीं खुलेगा। इसमें टीवी तो है पर स्विच ऑफ है देखो। बेल्ट लगा के बैठ जाओ अभी से, बस बेल्ट लगा लो और बस। और इसका ये भी डिफरेंट है इसी पीसी भी भाई, छोटे छोटे है ट्रेन में ये भाई कसम से देख लो ट्रेन कंफर्टेबल हो रहा है। भाई सोने की है ही नहीं, 4 घंटे इसी बैठे रहो बस राधा राधा करते रहो भाई। कल होना देखूंगा अभी रुक जा अभी चालू करते हैं। थोड़ा दोनों की सीट भाई देखो, थोड़ा दोनों की हमको वैसे थोड़ी बेकार सीट मिली हम सबको। मैं तो आयल सीट पे भाग जाऊंगा, इस पे कोई नहीं आया तो आयल सीट पे लग ही मजा आता है। ठीक है मैं भाग जाऊंगा। ठीक है ओके ब्रो थैंक यू। लाइक करेंगे। चलो भाई उड़ गए हैं, बाय बाय बैंकॉक। और भाई 4:13 पे उड़ गए हैं, देखो दिल्ली कब पहुंचते हैं। लाइट बंद है पूरी प्लेन की। अब भाई मैं रहा हूं सोने जा रहा हूँ भाई, बहुत नींद आ रही है। अब देखना 6 बजे पहुँच जाएंगे। अब आप कहोगे इतनी जल्दी कैसे, क्योंकि भाई 1.5 घंटे का फ़र्क है इंडिया में और इसमें। वैसे इनके हिसाब से लगाओ 4, 5, 6, 7, 8 बजे पहुँचेंगे, पर वही है वहाँ पे 7 बजे का दिखा रखा है 6 बजे। भाई गुड मॉर्निंग, हम तो बेहोश हैं भाई फिलहाल, बेहोशी की हालत में भाई। बेकार है सुबह की फ्लाइट, इतनी बुरी नींद आवे भयंकर भाई, बहुत ज़्यादा परेशान है। भारत की पावन धरती पर हमारा स्वागत है। वाओ सो गुड लुकिंग नज़ारे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू दिल्ली 7:13 AM। भाई दिल्ली के ड्यूटी फ्री से ख़रीद रहे हैं भाई अपने लिए सौदा। यहाँ पे भी है, वहाँ से तो खरीदी ना गई है, बजट ज़्यादा था। इन भाई की तो सोच ही जाए कि भैया इन्होंने दारू लिया अपने दोस्तों के लिए, ठीक है सस्ती मिल जाती है। इन्होंने लिए चॉकलेट कितने की? 30,000 रुपए की चॉकलेट है। चॉकलेट नहीं है, खा लेते हो आप इतनी? भाई 30,000 की चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट ये 4 है बस। और ये 2 वर्षाचे के परफ्यूम है ऊपर, मतलब इसी में। कितने का है वर्षाचे का परफ्यूम? कितने का है भाई? 12,000 भाई। रईसी तो रईसी तो ये भाई जो यहाँ 12 का मिल जाएगा ना वो वैसे 26 का होगा। उसमें खुशबू ऐसा क्या होती है? तो खुशबू आ रही है 3-4 साल तक। खुशबू में क्या है ऐसा? वाह भाई रिचनेस तो यही है। मैं और आदित्य तो नहीं गरीब रह गए। ये एक ने तो भाई आपने कितने की दारू खरीदी है? 13,290। अरे चलो आपका जब भी ठीक है, इंजॉय तो करोगे, मूड तो बनाओगे। भाई इतनी इतनी सी चॉकलेट 28,000 रुपए। भाई कहाँ 28,000 रुपए की चॉकलेट है, 3,000 रुपए की चॉकलेट है। देखो भाई चॉकलेट है ये नहीं है, ये चॉकलेट, ये सारी चॉकलेट, ये देखो ये सब चॉकलेट चॉकलेट है। कौन सी इसकी
एसी कैसी विस्की? अच्छा डेड लवर है। और ये परफ्यूम है लड़कों का लड़की का? ये तुम्हारे लिए है क्या? औरतों का? भाई जिन्होंने शादी करी कितनी खुश रहेगी यार गुरु। वर्षा के तो परफ्यूम देंगे उनको। तो भाई सब कुछ करवा लिया, इमिग्रेशन शॉपिंग सब कुछ डन है। और यहाँ का मौसम जब भी बहुत ज़्यादा सुहावना है, वापसी बैक इंडिया में वही चीज़ें लगने लग गई जैसे हमेशा से 22-30 साल से दिखते आ रहे हैं। कैब बुक करिए 600 रुपये की, क्योंकि मेरी एक और फ्लाइट है भाई आज कनेक्टिंग की, तो वो 4 बजे की है, अभी 8 बजे हैं, घर में जा नहीं सकता, तो इसलिए भाइयों के पास स्टे करूँगा थोड़ी देर 5-6 घंटे, क्योंकि ठिकाना चाहिए भाई कहीं रहने के लिए। तो एक कैब बुक करी 600 रुपये में। गैस करो कौन सी गाड़ी आ रही हो, गैस तो करो। वो आ रही है भाई आपकी, ये नहीं आ रही, मुझे पता है आपके दिमाग में यही आया होगा, वो आ रही है भाई स्विफ्ट डिज़ायर। ये दोनों जा रहे हैं, ये दोनों ऐसे फ्लाइट में सबसे पहले उठते हैं, फिर खड़े रहते हैं 10-10 मिनट तक, इनको सबसे आगे रहने की आदत है। मैं कहता तुम जाओ हमें छोड़ के, तो बिना ये जाएंगे ना कहीं भी। यही शिवम भाई, वेरी नाइस टू मीट यू। जा रहे हैं भाई नोएडा अपने अलग अलग टैक्सी बुक करके, हम तीन अलग टैक्सी बुक करके जा रहे हैं। अपना सफ़र बस यहीं तक था भाई, उन्होंने इतना डुलवाया है पिकअप पॉइंट तक भी नहीं आते हैं ये लोग, यहाँ पे हमको आना पड़ा है ऊबर पार्किंग में। और अब देख लेना कोई सामान धरेगा ना कुछ, 83 नंबर है डिजायर यही अगली के 15 पे भी ना है खड़ी आ गई। हमें खुद सामान रखना पड़ेगा अपना सब चीज वहाँ के, इतने बढ़िया रह गए गौ गुरु। खोल डिग्गी में, खोल तो आगे रख दो। फाइट हो रही है भाई फाइट। देखो इंडिया में हॉन्किंग देखो भाई, देखना कितना वो हो रहा है कंजेस्टेड यार। बट कोई नहीं भाई, अपने देश अपना देश है यार। इतना प्यारा भाई मिला हमको, 19 साल का जवान आकाश नाम का, अनमेरिड सिंगल चाइल्ड। और भाई देखो कितना स्ट्रगल है इनकी जिंदगी में, कहाँ थे हम। अगर आपके यूट्यूब पे 1 मिलियन होते ना, आप पीछे बैठे रहते हैं ना गुरु भाई। तो भाई अब भी आ जाएंगे हम, तो इतनी कोई घनी बड़ी बात थोड़ी हो गई है। अब तुम कहो दूसरी कैब बुक कर ले, गाड़ी लगाना जाके। क्यों भाई पीछे आ रहे हैं चेहरा दिखाओ भाई, वाह कितना फनी, ये कितना फनी जोक हो गया भाई। ये तुम्हारे क्षेत्र में हम कुछ भी कह सको, तुम सही में लगा रहा हूं। क्यों गुरु, गुरु एसी से तो लगा ले, एसी चला रखो है, आदत नहीं है तो एसी की। भाई इस भाई के पास अपना कोई घर मकान रूम ही नहीं कही है इस भाई, पता है सोता है गाड़ी में, खाता है रेडी वेडी खा लेता है को, है ना। और हर मतलब वो जो फ्रेश व्रेश होना होता है वो तो हर जगह बने ही होते हैं। तो भाई गाड़ी में कमर वमर सीधी है जावे, पीछे सोवे, सब हो जावे जब कमाना है तो शीशे खोल के सोवे, बंद करके गाड़ी है एसी चला के, शीशे बंद करके गर्मी में ही एसी चला लेता हूं। अच्छा जी इतना पैसा बच जा में, मतलब खड़ी गाड़ी में सी एनजी तो सी एनजी कम खावे है इसी में, बिल्कुल खावे ही है, खाती ही नहीं है। हैं अरे यार आदमी इतनी मेहनत कर रहा, कमा रहा है 500,000 रुपए, 150 रुपए अपने ऊपर भी फूंक ले थोड़ा। अरे भाई ज्ञान कम दिया करो तुम, ठीक है समझ गो मैं, ये बताओ मेरे को एंडेवर में लग जाएगी, मैं इन्हें दे रहा हूं भाइयों को जो वीडियो देख रहे हैं, क्या एंडेवर में लग जाएगी क्या सी एनजी? हां मेरे सी एनजी में लगवा दोगे एंडेवर में गुरु, लगवा दोगे सी एनजी मेरी गाड़ी में, मैं भी ट्रैवलर बनूंगा फिर, ट्रैवलर हाँ बन लग जाएगी उसमें, ठीक है। तो भाई एलपीजी लगेगी उसमें भाई, नेक्स्ट वीडियो एंडेवर में सीएनजी के हम देखेंगे, कोयला इंजन लगेगी तुम्हारे उसमें, कोयले से चलेगी, कोयला डाल देंगे ये थारवार भाई इंडिया भाई, नहीं जा रहा हूं बुराड़ी बुराड़ी जा रहा है हां एयरपोर्ट से हां भाई की स्माइल नहीं रुकती कभी, कुछ नहीं 400 रुपए ओ हम 600 दे रहे हैं, हमें ना पता ऊपर कितना दे रहे हैं, हम 600 दे रहे हैं पूरे, ठीक है 400 हम ही देगा ऊपर कट गया भाई ऊबर वालों का यहाँ पे स्ट्रगल सुनो कितना ज्यादा है। हाँ भाई प्रीति बिहार से भाई लेके आया, भाई को 950 रुपए 950 रुपए मिलने वाले थे गुरु, कितने कंपनी कितने 22-23 तारीख को पिकअप नहीं करने देंगे, हड़ताल है इधर, बंदे पिकअप ही नहीं करने देंगे राइड
तू करना चाहता है पर वो नहीं करने देंगे भाई को भाई मिले 900 में से 392 रुपए मात्र, बताओ 60% कमीशन भाई खा गई कंपनी, लुच्ची कंपनी है क्या गंदी, छोड़ दो ना इतनी के भसड़ है, छोड़ नहीं सकते ना भाई, कमाना है मजबूरी वाला हिसाब किताब है, फसा दे इंडिया में पापी पेट का सवाल है। अब यू सेपरेट चलान लग जाए आपके एक पास कोई कस्टमर ही ना आए बेचारे के पास, हम भी तो ऊबर के थ्रू ही आए हैं ना ब्रो। भाई ये दारू देखना ये लेके आए इधर भाई, कॉफी फ्लेवर्ड आधी इसमें पता नहीं क्या है आधा क्या है, कैसे कैसे शौक होते हैं निराले दुनिया के कसम से यार, नेक्स्ट लेवल वो सस्ता है पर ये ज्यादा बढ़िया है, ये इसमें भी वो है क्या बोलते हैं जो हेलो आए वो, चलो ठीक है भाई टाटा टाटा बाय बाय ओके 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 भाई, ये भी छोड़ दिया हमने घर पे, ये भी भाई छोड़ दिए, ये इनके थार वार इनके पास है, ये वाली रोड पे खड़ी कर देते हैं, कोई सेंस तो है नहीं रोड यार पब्लिक प्रॉपर्टी। अब मैं और भाई जा रहे भाई के फ्लैट पे, भाई ये इतने रिच है देखना, ये ऐसे स्पीकर तो इनके 4-5 पड़े थे ये डब्बा पैक मार्शल के, मैं कहा दे दो एक गिफ्ट कर दो हमको, अब इसको बजा के चलो वहीं देखेंगे फ्लैट पे ही चल के भाई के पे, इसको क्या खोलूँ मैं, ये बुराड़ी गाँव है आगा, ये ऐसी छोटी मोटी गली, देखो दिल्ली शहर शहर है शहर, दिल्ली शहर बता मैं ही ना तो शहर, दिल्ली में रह रहे हैं कलोनी है गाड़ी ना ठीक है, कुछ शिफ्ट फिफ्ट बाहर आ गई तो इतने गली बने वारे इनने देखियो वे ऊपर कर रखे हैं चैम्बर से, चैम्बर ऊपर है रोड नीचे है, वाह इंजीनियर इंडिया के हो वाह। तो भाई पहले तो इसको खोल के देखता हूँ मेन, और अच्छा आ गई ये यहाँ पे रहते हैं फ्लैट व्लैट में भाई, ये इतना फेमस है मैंने अभी देखा इसका 2.1 trillion रिव्यूज हैं मतलब गूगल पे, और एक छोटा सा स्पीकर ही भाई 9-10 हज़ार रुपये का है, नेट पे लिखना ये वाला मार्शल विलेन, और भाई बोट के इतने 9-1 हज़ार रुपये में तो इतने बड़े बड़े आ जाते, इतना हल्का सा आया बिल्कुल ही, पर लेट्स साउंड क्वालिटी सुन के बताता हूँ। तो भैया भाइयों को विदा बोलने का टाइम आ गया 12 बज के भाई, 2 घंटा बढ़िया बहुत बढ़िया न्यूज ले ली इनके फ्लैट पे, यहाँ गिर तो ना जाएगा कोई ऊपर है पक्का। चल भाई अब मेरी भाई एक और फ्लाइट है, ओके ब्रो ओके अमित भाई ओके जी थैंक यू, चलो भाई अब चलते हैं ना आगे नेक्स्ट फ्लाइट लेते हैं, ठीक है भाई टाटा। भाई डोमेस्टिक के लॉन्च में कितनी भीड़ रहती है यार, मैं तो जा रहा हूँ उल्टा, इंटरनेशनल मेरा कुछ नहीं होती मैं तो फ्री में चले गए थे, मैंने सोचा सफर में चले गए नो भाई, वहाँ तो बहुत भीड़ थी, मैंने यहीं से आकर फूड कोर्ट में से पिज्ज़ा सा ले लिया, बहुत दिन हो गए थे पिज्ज़ा खाए यार, वहाँ से मिलता ही नहीं बढ़िया वेज, तो भाई फ्लाइट से उतर के अब आ गया था कहीं पे, यहाँ पे थोड़ा रोटी वोटी खा ली और अब मैं जा रहा हूँ कहीं आगे की तरफ, तो डेस्टिनेशन तो भाइयों सॉरी रियली मैं बता नहीं पाऊँगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, क्योंकि लिटिल लिटिल प्राइवेट कुछ किसी काम से आया हूँ मैं यहाँ पे अर्जेंट, मेरे को एकदम इंस्टेंटली आना पड़ा भैया, तो भाइयों से बाद में मिलते हैं बीट्री जाके, कुछ दिन का यहाँ पे काम है फिर वहाँ जाके अपना दहपोला कर देंगे ठीक है जी। चलो भाइयों वीडियो देखने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज़्यादा थक गए भाई लगातार 3 फ्लाइट इज टू मच हेक्टिक, मैं आपको क्या ही बताऊँ बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया, नींद आ रही है बहुत ज़ोर से, अब जाके सोता हूँ होटल वोटल लेके, थैंक यू सो मच गुड नाइट।